हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका टॉट्स एंड मॉम्स किचन में। आज इस वीडियो में हम आपको बना के दिखाएंगे कैरेट के रेसिपीज़। कैरेट बहुत हेल्दी होता है बच्चों के लिए, 6 महीने से ही आप अपने बच्चे को इसे शुरू कर सकते हैं। और कैरेट के हेल्थ बेनिफिट्स बता दूँ, विटामिन ए और बीटा कैरेटिन बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्लेटलेट्स का काउंट इंक्रीज़ करने में मदद करता है, इम्यूनिटी बढ़ाने में, मतलब विंटर स्पेशली सर्दियों के मौसम में क्यों बहुत मिल जाता है। ये भूमि माता को पता है कि इस दौरान हमारे देह को बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी की ज़रूरत है। बच्चे स्पेशली सर्दी खांसी जुकाम वगैरह बहुत जल्दी आ जाता है, तो ये उन्हें रेगुलरली देंगे तो वो अवॉइड हो जाएगा और ग्रोथ में भी मदद करता है ये, और डेफिनेटली ईजी डाइजेशन भी हो जाता है। तो कैरेट इनिशियली आप बच्चे को एक प्यूरी के रूप में दे सकते हैं, बाद में उसका दलिया बना सकते हैं, उसका सूप बना के दे सकते हैं और बाद में फिंगर फूड या डेजर्ट की तरह भी दे सकते हैं। तो आइडियाज़ मिल जाएंगे इन वीडियोस को आप, मतलब वीडियोस का कलेक्शन अगर आप देखेंगे तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। हमारा आज का पहला रेसिपी है कैरेट एप्पल प्यूरी। ये आप 6 महीने के ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं। इसके लिए ये सामग्रियाँ चाहिए होंगी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, प्यूरी बहुत सॉफ्ट टेक्सचर में रहती है, इसीलिए आप 6 महीने के बाद दे सकते हैं बच्चों को। तो आप नॉर्मल से बर्तन में इन सब्जियों, मतलब एप्पल और कैरेट को डाल के भी आप बॉईल कर सकते हैं, पर ये स्टीम करना बेहतर रहता है। एक स्टीमर बास्केट उपयोग कर रही हूँ मैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसे रख के एप्पल और कैरेट को काट के हम इकट्ठे पकाएंगे। अभी कैरेट थोड़ा पतला काटा है क्योंकि कैरेट धीरे पकता है और एप्पल जल्दी पक जाता है, तो उसे मोटा रखा है। तो चेक कीजिएगा कि कुक हो गया है। एक बर्तन में, ब्लेंडर जार में बाद में डाल के इसका प्यूरी बनाएंगे हम। थोड़ा सा एडिशनल पानी डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानीदार नहीं बनाना है। जैसे मैं हर बार बताती हूँ, बच्चे को प्यूरी बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी में देनी चाहिए। जैसे आप अपने उंगलियों में लें तो वो ठहरे थोड़ी वक्त। तो दलिया हो, प्यूरी हो, सूप हो, 1 साल तक बच्चों को आपको इसी कंसिस्टेंसी में देना है, पानीदार नहीं बनाना है। कैरेट एप्पल प्यूरी तैयार है आपके बच्चे के लिए। अगला रेसिपी है कैरेट सूजी उपमा। ये 6 महीने के ऊपर के बच्चे को दे सकते हैं। ये थोड़ा टेक्सचर दानेदार लगेगा आपको, रवा तो ज़्यादा पानी डाल के ज़्यादा वक्त पकाएंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा। इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पे, आप नॉर्मल रवा जैसे ही, उपमा जैसे ही पका रहे हैं, बट नमक नहीं डालते बच्चे को, इसीलिए सेपरेटली पकाएं तो बेहतर है। रोस्ट कर लीजिएगा ठीक तरह से 5 मिनट तक, और बगल में रख लीजिएगा इसे ठंडा होने के लिए। तब तक हम एक पैन में घी डाल रहे हैं, उसके साथ ये कद्दूकस किया हुआ गाजर है। गाजर शब्द का उपयोग बहुत कम करते हैं लोग, बट आई कॉन्शियसली ट्राई टू यूज़ इट हियर। अभी यहाँ पे हल्दी का पाउडर डाल रही हूँ, मिर्ची का पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर है। ये 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। घी के साथ जब कुछ भी फ्राई करते हैं तो टेस्ट बढ़ता है और बच्चों को पसंद आएगा ज़रूर। रवा डाल के हम यहाँ पे सूजी डाल के अभी इसे बंद करके पकाएंगे। नमक अगर आपका बच्चा 1 साल के ऊपर है तो ही यूज़ कीजिएगा, और छोटे बच्चों के लिए और ज़्यादा पानी डाल के आप सॉफ्ट टेक्सचर में बना सकते हैं, थोड़ा और पका के एक्स्ट्रा। जैसे इसे मैंने 2 मिनट पकाया है, आप 4 मिनट तक पकाएंगे तो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। कभी कभार बच्चे 8 महीने या 1 साल तक कंसिस्टेंसी बहुत सॉफ्ट लगे तो पसंद नहीं करते, इसीलिए ये ठीक रहेगा उनके लिए। तीसरा रेसिपी है सेवरी कैरेट ओट्स। ओट्स का उपयोग करके हम यहाँ पे ये दलिया जैसे बना रहे हैं। यहाँ पे हम इंग्रेडिएंट्स दिखा रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। एक पैन में मैंने अभी गाजर डाला है, फ्राई करने के बाद इसके साथ थोड़ा सा हींग डाल के मिक्स कर रही हूँ। ये है हल्दी का पाउडर और पेपर का पाउडर, काली मिर्च पाउडर। थोड़ा सा पानी डाल के ओट्स डाल रही हूँ यहाँ पे, इकट्ठे मिक्स करके हम बंद करके 5 मिनट पकाएंगे। बीच में आप मिक्स कर सकते हैं, और ये यहाँ पे थोड़ा पक चुका है, और 2 मिनट पकाने के बाद कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी में आप निकाल सकते हैं बाहर। इसे ऐसे दिखेगा ठंडा होने के बाद आपको सेवरी कैरेट ओट्स।
ये कैरेट टमाटर सूप है, ये कैरेट और टमाटर का, और इसे 8 महीने के ऊपर से आप दे सकते हैं। एक प्रेशर कुकर में मैं टमाटर और कैरेट काट के जो रखा था उसे डाल के पका रही हूँ। ये बहुत पुराने वीडियो है हमारे जो क्लब करके मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पसंद आता है एक ही जगह पे 2-4 वीडियो मिल जाए तो कुछ ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं उनके बच्चे के लिए ये सोच के। तो पकाने के बाद इसे एक ब्लेंडर की सहायता से हम ऐसे ब्लेंड कर सकते हैं या फिर मिक्सी जार में डाल के भी पका सकते हैं। और ये है मक्खन, उसके साथ मैं डाल रही हूँ यहाँ पे प्यूरी जो बनाया था, और जीरा का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर डाल के थोड़ा पकाने के बाद सूप हमारा तैयार हो चुका है। आप घी से भी बना सकते हैं पर मक्खन टेस्ट ज़्यादा देता है। यह है कैरेट कॉइन्स, इसे आप 8 महीने के ऊपर के बच्चे को दे सकते हैं। फिंगर फूड की तरह बैठ के बच्चा खा सकता है, बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि सॉफ्ट टेक्सचर है ये। एक बाउल में मैं सारे इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ, बेसन का पाउडर, कैरेट कद्दूकस किया हुआ, चावल का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके साथ मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, और अभी तैयार हो चुका है हमारा डो। हाथ में थोड़े छोटे छोटे बॉल्स ऐसे बना के हम रख सकते हैं, छोटे टिक्की कॉइन साइज वाले जो छोटे बच्चे के हाथ में आसानी से आ जाए। ऐसे कुछ दिखेगा। अभी तैयार हो चुका है ये पकने के लिए। बर्तन में हम घी डाल के गर्म होने के बाद ये सारे टिक्कियां छोटे छोटे रखेंगे वहाँ पे, और एडिशनल घी डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे के लिए ये हेल्दी ही रहेगा। अभी हम उल्टा पलट के दूसरी तरफ भी इसे पका लेंगे, और तैयार है हमारा कैरेट कॉइन। ऐसे बहुत सारे वीडियोस में बना के शेयर करती रहती हूँ। ओट्स का कॉम्बिनेशन हमने बनाया था, बहुत लोगों को पसंद आया था। इट इज़ वन ऑफ द टॉप रेटेड वीडियोस ऑन आवर चैनल। बच्चों को ओट्स का दलिया कैसे बनाया जाए, एक पाउडर बना के रख के गर्म पानी से मिक्स करके भी झटपट दे सकते हैं जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो सारे आइडियाज़ इस वीडियो में मिल जाएंगे। और उसके बाद पालक की रेसिपीज़ चेक कर सकते हैं। पालक बहुत हेल्दी है होता है, बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ाने में ये भी मदद करता है। और लीफी वेजिटेबल है तो कैसे बच्चों को दिया जाए, अगर डाउट है तो इस रेसिपी को इस वीडियो को चेक कीजिएगा, बहुत सारे रेसिपीज़ मिल जाएंगे वहाँ पे। रिसेंटली मैंने मखाना के कॉम्बिनेशन वीडियो शेयर किया है, अभी तक नहीं चेक किया है तो वहाँ पे मखाना से आप बच्चे को कैसे दलिया बना सकते हैं, और मखाना का उपयोग करके फिंगर फूड कैसे दे सकते हैं, खीर वगैरह कैसे बना के दे सकते हैं, सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको वहाँ पे, चेक कीजिएगा। हमारे चैनल में रेगुलरली ऐसे वीडियोस मैं पोस्ट करती रहती हूँ, बहुत लोगों को पसंद आते हैं। बट अगर आपने लाइक बटन अभी तक नहीं दबाया है तो प्लीज़ दबाइएगा, क्योंकि मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, उससे पता चलेगा कि आप लोगों को पसंद आ रहे हैं हमारे वीडियोज़, मेरा काम पसंद आ रहा है। और हमारे स्टोर टॉट्स एंड मॉम्स में आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे परचेज़ भी कर सकते हैं ऑर्गेनिक बेबी फूड, जैसे सीरियल, इंस्टेंट मिक्स, पॉरेज मिक्स मिल जाएगा, पैनकेक मिक्स, कुकीज़, हेल्थ ड्रिंक मिक्स, सारे केमिकल एंड प्रिजर्वेटिव फूड वहाँ पे मिल सकते हैं आपको। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे वीडियो अपडेट भी मिल जाएंगे, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अच्छे अगले वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार और बाय बाय।